गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तीसरे लेक्चर के साथ मैं वापस आ गया। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1804 में नेपोलियन कोड बोल दो या संहिता बोल दो आ गई थी। हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके कि नेपोलियन की संहिता 1804 में यूरोप के अंदर आ जाती है। नेपोलियन जो था वो बहुत ही कट्टर नेता था। उसने क्या किया था, राजतंत्र को वापस लाया गया या लाया, और प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये ड्रॉबैक हमने पीछे भी डिस्कस किया कि नेपोलियन ने प्रजातंत्र का विनाश या विध्वंस कर दिया और राजतंत्र को वापस ले आया। ठीक है, उसने काफी सारे कार्य किए, उन्हीं की हम चर्चा आज करेंगे कि नेपोलियन ने अपनी जो संहिता दी या नागरिक जो संहिता रखी उसके अंदर किस तरह के विचार उसने रखे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेपोलियन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि एक ड्रॉबैक क्या था कि राजतंत्र को वापस लाकर प्रजातंत्र को खत्म कर दिया गया। तो ये नेपोलियन का ड्रॉबैक था कि वहां पर प्रजा के पास जो अधिकार थे वो कम हो गए, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, बाजार लेवल पर जो व्यवस्था थी, इकोनॉमिक लेवल पर जो व्यवस्था थी, बैंकों के लेवल पर जो व्यवस्था थी, आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लेवल पर जो व्यवस्था थी, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। प्रशासन में सब चीज आ जाती है, आपका व्यापार, आपका ट्रेड हो गया, आपका बिजनेसेस हो गया, आपके परिवहन हो गए, तो सब मिला के एक प्रशासन बनता है। उस प्रशासन के अंदर आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी कार्य करते हैं। जो आज की आप व्यवस्था देखते हो तो उसे प्रशासनिक व्यवस्था बोला जाता है, जिसके अंदर सारी चीजों को डाला जाता है कि आप किस तरीके से अपने देश को चला रहे हो। तो वो प्रशासन है जो एक देश को चलाता है। तो उसी व्यवस्था के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस व्यवस्था के अंदर नेपोलियन ने क्रांतिकारी विचारों को डाला, देखो ठीक है कि क्रांतिकारी क्या चाहते थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि प्रजातंत्र आए, प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू हो, जो वो चाहते थे, क्योंकि हमने देखा कि क्रांतिकारी ने पितृभूमि जैसे भाव लोगों में पैदा कर दिए, एक झंडा नया ले आए, एक भाव की इकाई ले, एक मापतोल की इकाई ले आए, सबके लिए बराबर अधिकार कर दिए, कानून कर दिए। तो वही चीज नेपोलियन ने अपने संहिता के अंदर, अपने कोड के अंदर डाल दी, जिसके बहुत बेनिफिट्स थे, क्योंकि इससे नए नए वर्गों का जन्म हुआ वहां पर। नए वर्ग आप देखोगे, पहले कुलीन वर्ग ही होता था, लेकिन वहां पर एक नया वर्ग, व्यापारी वर्ग जिसे बोलते हैं, वो पैदा हुआ था इस सारे के सारे तामझाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हुआ था जब नेपोलियन इस तरह की संहिता लेके आता है। तो नेपोलियन ये दिखा देता है कि हमें कार्य कैसे करना है, हमें बाजारों को विकसित कैसे करना है, हमें छोटे व्यापारियों को किस तरीके से छूट देनी है, छोटे व्यापारियों को अधिकार कैसे देना है, सबका पैसा किस तरीके से बढ़ाना है। तो वो सब चीजें नेपोलियन ने अपनी संहिता में रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो कि नेपोलियन ये चाहता था कि किस तरीके से छोटे व्यापारियों को मदद मिले और वो किस तरीके से आगे बढ़ें, अपना व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ाएं। तो ये सब नेपोलियन चाहता था। तो नेपोलियन का ज्यादा दिमाग वहीं पर केंद्रित था कि हम किस तरीके से अपने फ्रांस का विकास करें और फ्रांस को ऊंचाइयों पर लेके जाएं। मेन जो मुद्दा था वो यही था। तो उसने इसी के चलते अपनी संहिता दी और उस संहिता में
उस संहिता के जो कुछ बिंदु थे उस संहिता में क्या क्या डाला गया, तो उससे क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे कि नेपोलियन ने अपनी संहिता में किस तरीके के अधिकार दिए, नेपोलियन संहिता में किस तरीके के अधिकार दिए गए। अगेन 6 मार्क्स क्वेश्चन है ये भी, आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स के लिए है, जैसे पहला क्रांतिकारियों की बात थी तो 6 मार्क्स का था, अगर मैं जैकोबियन क्लब देखूं तो फिर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राष्ट्रवाद की बात करूं तो 1 नंबर का बनता है, नेपोलियन का कोड कब आया वो भी 1 नंबर का बनता है। तो उसी तरीके की नेपोलियन कोड जो संहिता थी उसमें किस तरह के अधिकार दिए गए, तो आंसर के अंदर सबसे पहला जन्म पर आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जन्म पर आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे तो उनको समाप्त कर दिया गया। अब हम लोगों को यह लगेगा कि यार जन्म के आधार पर, तो आप क्या सोचते हो कि जन्म के आधार पर क्या हो सकता है? जन्म के आधार पर मान लो एक मेरे से ही लगा लो कि मैंने एक जन्म परिवार में लिया और उस परिवार में मान लो 2 बीघा 4 बीघा जमीन थी, तो उस जमीन पर मेरा अधिकार होगा, कन्फर्म होगा, क्योंकि मैं उस घर का लड़का हो गया तो पक्का होगा, तो वो भी एक अधिकार था। तो उस चीज को समाप्त नहीं किया, अधिकार के अंदर जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार होते हैं वो क्या थे कि मान लो, पहले ये माना जाता था कि अगर आप एक गरीब परिवार में जन्म लेते हो, बहुत बड़ी बात है, गरीब परिवार में अगर आप जन्म ले रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काले परिवार में जन्म लेते हो, मतलब उनका रंग काला है, रंग काला गोरे की भेद की जो नीति होती थी उसी के तहत मैं समझाना चाहता हूं। अगर ये आप ये देखो कि अफ्रीका की बात करें हम, तो काले परिवार मतलब अगर आप, तो फिर गोरों से भेद किया जाएगा, गोरों के समान अधिकार नहीं मिल सकते। तो ये जो चीजें थी कि आप गरीब परिवार में हो तो गरीब ही रहोगे, आप अमीर नहीं बन सकते, आप एक रसूखदार के परिवार में जन्म ले रहे हो तो वैसे ही रहोगे, आप एक किसान के परिवार में जन्म ले रहे हो तो वैसे ही रहोगे, तो ये सब चीजें उन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया, मतलब आप गरीब परिवार में जन्म लो तो आप गरीब नहीं माने जाओगे, आप कभी भी पैसा कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो, आप काले गोरे का भेद नहीं आपके साथ किया जाएगा, आपको अमीर बनने का पूरा मौका दिया जाएगा, आप किसान वर्ग से हो तो ये नहीं कि आप किसान वाला ही काम करोगे, आप अपने काम को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो पहला पॉइंट तो यही था कि जन्म पर जो विशेषाधिकार उन्हें मिले वो क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं। ये पॉइंट बहुत बड़ी, पहले भी चर्चा हो चुकी कि सभी को कानून के लिए, सभी के लिए जो कानून बना है वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा के अंदर भिक्षु हो, कोई भी हो, तो सभी के लिए जो कानून था वो बराबर था और उस कानून के हिसाब से ही उनके साथ डील किया जाएगा। तो ये पॉइंट कई बार डिस्कस हो चुका कि कानून किस तरीके से बराबर होता है, तो सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष क्या था, बराबर है, सभी नागरिक कानून के आगे बराबर है। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति के अधिकार को जीवित रखा गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जीवित रखा गया कि आप अपनी संपत्ति, कि आपके पास अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति को छुपा सकते हो। सबसे बड़ी बात है संपत्ति का अधिकार, कि आपके पास एक अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति के लिए किसी को ना तो बोलने दोगे ना कुछ। तो ये संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकारों के अंदर भी था, जिसे भारत के अंदर से खत्म कर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार हमें नहीं रखना है। कि संपत्ति के अधिकार से क्या है कि हम अगर कोई बंदा ब्लैक मार्केटिंग करता है, समझो कि एक ब्लैक मार्केटिंग करके जमीन हथियार लेता है वो, मान लो। अब जमीन उसने हथियार ली, अब अगर वो जमीन हथियार लेता है तो उस जमीन पर उसका अधिकार हो जाएगा, और अगर उसका अधिकार है तो फिर आप उसके आगे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार के अंदर या उसके तहत वो चीज आती है कि वो जमीन उसकी है, उसकी संपत्ति है, तो आप नहीं बोल सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक था नेपोलियन के कोड के अंदर कि संपत्ति के अधिकार को जीवित रखा गया, इसको नष्ट नहीं किया गया कि आप अपनी संपत्ति जो है, अपना आपका अधिकार है, आप उस अधिकार को रखो। लेकिन एक बात बता देता हूं, जो भारत के अंदर 6 अधिकार हैं मौलिक अधिकार, उसमें 7 अधिकार पहले होते थे और उस 7 अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के हिसाब से खत्म कर दिया गया, बदल दिया गया कि अब वो संपत्ति का अधिकार हमारे अधिकारों में नहीं है। कि अगर हम कोई बैकवर्ड प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हम गलत तरीके से अपना मतलब आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं तो उसे हमें छोड़ना होगा, वो हमारी नहीं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि संपत्ति के अधिकार को जीवित रखा गया। तीसरा पॉइंट था ये। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने देख लिया कि 3 पॉइंटों में कि संपत्ति के अधिकार को जीवित रखा गया, ठीक है। चौथे पॉइंट में क्या था कि यातायात की जो यातायात के साधन जो थे, साधनों को बढ़ावा मिला, ठीक है। यातायात के साधन विकसित कर दिया गया यातायात के साधनों को। तो आप खुद बना के लिख सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से चौथा पॉइंट था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि नेपोलियन चाहता था कि किस तरीके से व्यापार बढ़े, वो यही चाहता था कि व्यापार कैसे बढ़े, तो उस व्यापार के लिए यातायात के साधन बहुत जरूरी थे। तो इसीलिए उसने क्या किया, यातायात के साधनों को बढ़ावा दे दिया, यातायात के साधनों में बदलाव करने लगा ताकि सामान को इधर से उधर आसानी से ले जाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आसान पॉइंट है, बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हो कि यातायात के साधनों को बढ़ावा मिला। पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब आप के सामने ये वर्ड अराइज हो गया कि सामंती व्यवस्था क्या है। सामंती व्यवस्था बिल्कुल एक सिंपल सी व्यवस्था थी, मैं मान लो 3 चरण देता हूं, सबसे पहले राजा के नीचे सामंत और सामंत के नीचे छोटे किसान। तो ये इस तरीके से सामंती व्यवस्था होती थी कि राजा की सारी की सारी क्या होगी, भूमि, राजा की भूमि होगी, जितना भी उसका मतलब एक क्षेत्र उसके अंडर आता है वो भूमि सारी की सारी राजा की होगी। उसको संभालेगा कौन, संभालने का काम कौन करता था, सामंत, बहुत अमीर होते थे सामंत भी, वो उसको संभालते थे और छोटे किसान मजदूरी करते थे। तो आप देख लो कि सामंती व्यवस्था किस तरह की थी, मतलब नेपोलियन एक इस रास्ते से आप अगर देखोगे तो बहुत अच्छा अधिकारी था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्रजातंत्र को नहीं नष्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सामंती व्यवस्था को खत्म करके, ये आप यूरोप के हिसाब से देखोगे, भारत के हिसाब से अगर मैं सामंती व्यवस्था बताऊं तो सामंती, अब सामंती व्यवस्था समझ में आ गई कि राजा राजा से नीचे सामंत, सामंत के नीचे छोटे किसान,
कि राजा जो है उसकी भूमि सारी होगी, सामंत उसको संभालेगा और छोटे किसान उस पर मजदूरी करेंगे। तो इसको खत्म कर दिया गया। खत्म मतलब जो जो अधिकार छोटे किसानों को मिले उन अधिकारों के तहत उनके पास वो भूमि वापिस आ गई, वो भूमि राजा की नहीं थी। ये बात समझ लो कि राजा की भूमि अब नहीं थी, अगर किसान कर रहा है तो किसान की ही होगी वो, और किसान जितना उससे पैसा कमाएगा वो किसान के पास जाएगा, राजा के पास नहीं जाएगा। अगर भारत में देखो तो सामंत किस तरीके से बनते थे, मान लो ये राजा ए है, मान लो ये राजा ए है, ये एक युद्ध में राजा बी को हरा देता है, ये हारता है, तो हारने के बाद जो भी इसकी भूमि होगी वो हो जाएगी ए की, सारी भूमि जो बी की है वो किसकी हो गई, ए की हो गई, ए ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन राजा बी को नष्ट नहीं किया जाएगा, उसे बना दिया जाएगा सामंत। ये बात याद रखना, ये भी आप याद रख सकते हो फर्दर आगे पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में किस तरह का सामंतवाद था या सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, कि अगर राजा या राजा बी को हरा देता है तो सारी की सारी भूमि बी की राजा ए के पास चली जाएगी और ए जो बी है वो उसका सामंत बन जाएगा। तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था, खारिज कर दिया था, बहुत अच्छा काम किया था नेपोलियन ने अपनी संहिता में कि सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट जो इसका है, किसानों को भूदासत्व और जमींदारों से मुक्ति दिला दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले डिस्कस हो चुका है सामंती व्यवस्था में, मैं बता चुका कि किसानों को अब किसी सामंत के नीचे होने का या काम करने का जरूरी नहीं था। वो इस भूदासत्व प्रथा से कि मैं उस भूमि पर काम कर रहा हूं, मैं तो उसका दास हूं, मेरी भूमि नहीं है, है हमारी भूमि लेकिन हम उस पर फिर भी दास की तरह काम कर रहे हैं, तो इस चीज को खत्म कर दिया गया। और जितने भी जमींदार ठेकेदार जो उनके ऊपर होते थे, जो उनसे पैसा वसूलते थे, उन सब को नष्ट कर दिया गया। किसानों को अपने अधिकार दे दिए गए, जो मैं पहले ही बता रहा हूं कि कानून के समक्ष सबको बराबर अधिकार थे, तो किसानों को भी बराबर अधिकार थे, तो उसी के चलते किसानों को भूदासत्व प्रथा से मुक्ति मिल गई थी। अब इन चीजों को अगर हम देखें तो एक बात समझ में आती है, और एक बात सेवन पॉइंट और देखो, जितने भी मजदूर थे उनको श्रेणी संघों से आजाद करा दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक भी पढ़ें जरूर, पॉइंट्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार बुक जरूर पढ़ें कि मजदूर श्रेणी संघों से आजाद करा दिया गया, मजदूरों को श्रेणी संघों से आजाद करा दिया गया। अब यही वही बात है कि वहां पर भूदासत्व नहीं तो श्रेणी थी, एक मतलब ठेकेदार बना दिया, और वो ठेकेदार उन मजदूरों से काम करवा रहा है, और उस ठेकेदार जो पैसा लेता है आगे से उसके बदले मजदूरों को कम पैसा देता है, तो उनको भी उन श्रेणी संघों से अलग करा दिया गया था। अब वो आजाद थे क्योंकि उनके पास अधिकार थे, वो अपने अधिकारों के लिए बोल सकते थे। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था कि मजदूर भी जो थे शहरों में, उनको श्रेणी संघों से आजाद करा दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मजदूरों को श्रेणी संघों से अलग कर दिया गया या आजादी करवा दी गई। अब इसके बाद नोट डाल के आप एक बात जान लो कि हुआ क्या था, सारे इस बात का निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो छोटे व्यापारी जो थे छोटे व्यापारी ये जान चुके थे कि एक मुद्रा एक भार की इकाई के आने से व्यापार तीव्र गति से बढ़ेगा और आसानी होगी व्यापार करने में
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट निष्कर्ष यही निकलता है कि छोटे व्यापारियों को अभी ये पता चल चुका था, उन्होंने भी इस चीज का स्वाद चख लिया था कि अब यूरोप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले क्या होता था, अलग अलग इकाई होती थी, भारने का अलग अलग माप, मतलब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो तो वहाँ किसी और, जैसे 1 kg आपने चीनी ले ली तो शायद वहाँ पे उसका माप 1.5 kg होगा, उससे आगे चले जाओगे तो शायद 900 g होगा, तो वो भार की अलग अलग इकाइयाँ थी, मुद्रा भी अलग अलग होती थी। एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, क्योंकि पहले इस तरीके से राष्ट्र नहीं होते थे, तो एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको मुद्रा भी अलग अलग देनी पड़ती थी, उनकी जो माप थी मजदूरों का, जो मुद्रा का माप था वो भी अलग अलग था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, ये अपने दिमाग में डाल लो, एक भार की इकाई और एक मुद्रा। नेपोलियन का सबसे बड़ा तुर्क का इक्का कि उसने कोशिश की कि मुद्रा भी एक हो जाए, पूरे यूरोप की या पूरे फ्रांस की या फ्रांस के साथ जितने भी, जितने चीज़ों के ऊपर उसने अधिकार किया, जितने राज्यों के ऊपर उसने अधिकार किया, जितने राष्ट्रों के ऊपर उसने अधिकार किया, उन सब में मुद्रा भी एक होनी चाहिए और एक ही भार की इकाई होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, व्यापार तीव्र गति से बढ़ने लगेगा, और व्यापार अगर तीव्र गति से बढ़ रहा है तो लोगों के पास पैसा बहुत आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग चरम सीमा पर आ जाएंगे, सभी लोग अमीर हो जाएंगे और वो एक देश विकासशील ना रहकर विकसित हो जाएगा। तो आई होप पढ़ते रहो, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा आशा करता हूं, तो इसीलिए पढ़ते रहो।